जयपुर से खबर है। जगतपुरा पाम कोर्ट कॉलोनी में पैंथर दिखने से दहशत मच गई। कल रात कॉलोनी की सड़क पर पैंथर टहलता हुआ दिखाई दिया। रेंज अधिकारी जनेश्वर चौधरी ने टीम भेजी, लेकिन टीम को कॉलोनी में पैंथर नहीं दिखाई दिया। झालाना वन क्षेत्र के नजदीक होने के चलते पैंथर का मूवमेंट यहां पर रहता है। एहतियात के तौर पर टीम को मौके पर निगरानी के लिए तैनात किया गया है। और निर्मल तिवारी जयपुर से हमारे साथ ब्यूरो चीफ जुड़ गए। निर्मल जी, क्या कुछ जानकारी है? कल यहाँ पर पैंथर रात को दिखाई दिया, मूवमेंट नजर आया सीसीटीवी में। देखिए मेगा पामकोट जो कॉलोनी है वो भी जगतपुरा का जो क्षेत्र है वो डराना व्यापक रिजर्व से लगता हुआ है। ये रात को कल रात को 9:49 के आसपास की घटना है, जब सीसीटीवी फुटेज में ये जो इसका जो पैंथर का मूवमेंट वहां देखने को मिला। लक्षराज सिंह थे जिन्होंने इसको अपने सीसीटीवी में उनके में आया, उसके बाद उन्होंने वन विभाग को इसमें सूचना भी दी। देखिए दरअसल क्या है, क्योंकि झालाना से लगता क्षेत्र है तो वहां पर आसपास खासकर मवेशियों को लेकर और कुत्तों, क्योंकि पैंथर का ये रहा है कि पैंथर को बकरी और कुत्ता उसका प्रिय भोजन रहे हैं, तो पहले भी इस बात की मुनादी कराई गई कि जो आसपास की जो कॉलोनी के लोग हैं वो अपने कुत्तों को घर के अंदर रखें, उसको पोर्च में बाहर ना घूमने दें, बाहर ना बांधें, जिससे कि पैंथर आकर्षित हो उस तरफ और उसके शिकार के लिए वहां पर जाए। हालांकि ये घटना थी रात को 9:49 के आसपास की, इसकी तुरंत सूचना दी गई और इसमें दहशत की स्थिति इस वजह से भी बनी कि जो जिन्होंने ये सीसीटीवी फुटेज को अपने कैमरा जिनके पास था उन्होंने बेसिकली वो तैयारी कर रहे थे खाना खाने के बाद, रात का खाना खाने के बाद बाहर वॉक करने की। अगर वॉक करने की स्थिति में बाहर आते तो निश्चित तौर पर खतरे की स्थिति बन सकती थी, लेकिन अच्छा ये हुआ कि गरिमत ये रही कि वो भी बाहर नहीं निकले और उन्होंने सीसीटीवी में जब देखा पैंथर को टहलते हुए तो वन विभाग को सूचना दी। वन विभाग के जो रेंज अधिकारी हैं जनेश्वर चौधरी और उनकी जो टीम थी वो मौके पर पहुंची। हालांकि जो उसके पगमार थे वो वापस जंगल की ओर जाते दिखाई दे रहे। चलिए, हालांकि ये जो वहां पे पहुंचे उनके बाद वहां पर दिखाई नहीं दिए, टीम को कॉलोनी में पैंथर नहीं दिखाई दिया, लेकिन एहतियात के तौर पर सतर्क रहने के लिए कहा गया है। बहुत बहुत शुक्रिया निर्मल जी पूरी जानकारी के लिए।